गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो वी वर डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पेज नंबर थर्टी सेवन सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द पेज नंबर थर्टी एट हमने थ्री आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर नंबर फाइव के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आंसर को हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फोर्थ वन सो फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट डिड द प्लांट डू आफ्टर हियरिंग द सनशाइन एंड द रेन ड्रॉप्स तो प्लांट ने सनशाइन और ड्रॉप्स की बात सुनकर क्या किया तो सबसे पहले हम पूरा इतना पार्ट उसका सेम टू सेम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर से लेकर आफ्टर हियरिंग सनशाइन एंड द raindrops the plant rose to see the outside world to so, प्लांट ने क्या किया सनशाइन और रेन ड्रॉप्स की बात सुनकर वो रोज़ मतलब वो ग्रो हुआ और उसने आउटसाइड वर्ल्ड को बाहर की दुनिया को देखा देखने के लिए वो वहाँ से उगा सो so, हम क्या लिखने वाले हैं आफ्टर हियरिंग द सन शाइन एंड द रेन ड्रॉप्स द रोज टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने फोर क्वेश्चन एंड आंसर्स कम्प्लीट कर लिए हैं सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर इंग्लिश कॉपी एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो पहले बुक में कम्प्लीट करेंगे देन योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर इंग्लिश कॉपी ऑल्सो नाउ कम टू द वोकैबलरी पार्ट पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स मैंशन इन द पोयम तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स हैं जो ओयम में हमने जिनके बारे में पढ़ा है उनकी ही पिक्चर्स हैं आर गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ ईच थिंग अंडर द पिक्चर तो हमें क्या करना है हमें इनका नाम लिखना है कि इन पिक्चर्स में जो पिक्चर हमें दिख रही हैं ये काय की हैं तो सबसे पहले ये सीड्स हैं ये बीच की पिक्चर्स हैं तो हम यहाँ लिख देंगे एस डबल ई डी एस सीड्स सेकेंड पिक्चर हमें काय की दिख रही है सन की जो शाइन कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे एस एच आई एन आई एन जी शाइनिंग सन थर्ड पिक्चर हमें दिख रही है रेन की तो हम यहाँ लिख देंगे आर ए आई एन रेन देन फोर्थ पिक्चर में हमें दिख रहा है एक प्लांट तो हम यहाँ लिख देंगे पी एल ए एन टी प्लांट सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज नंबर ए ऑफ वोकेबलरी नाउ वी विल डू सेकेंड वन कम्प्लीट द वर्ड्स दैट शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट तो अब हमें यहाँ पे इन सें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है जो हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताते हैं तो सबसे फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है फ्लावर तो फ्लावर के लिए हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे यहाँ पे ऑलरेडी हमें कुछ कुछ लेटर्स मिसिंग दिए गए हैं तो हम इन लेटर्स को फ़िल करेंगे फ्लावर की स्पेलिंग हमें पता है क्या होती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर सेकेंड में हमें दिख रही है लीफ तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एल ई ऑलरेडी लिखा हुआ है ई e, के बाद हम लिख देंगे ए एल ई ए एफ लीफ थर्ड पिक्चर में हमें दिख रहा है इट इज़ अ थर्ड पिक्चर में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये बना हुए ये बनी हुई है रूट्स तो इट इज रूट्स जिससे प्लांट उगता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ ओ एस आर डबल ओ टी एस रूट्स देन इन द फोर्थ पिक्चर वी कैन सी स्टेम तो यहाँ हम लिख देंगे एस टी लिखा हुआ है ई एम स्टेम सो फर्स्ट वन इज फ्लावर्स सेकेंड वन इज लीफ थर्ड वन इज रूट्स एंड फोर्थ वन इज स्टेम सो हेयर वी हैव कम्पलीटेड आवर वोकेबलरी पार्ट ऑल्सो ना हेयर आर सम वर्ड्स फॉर डिक्टन सो मैं ये वर्ड्स बोलूँगी आपको रिपीट करना है टू टाइम्स इन वर्ड्स को क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है कि इन वर्ड्स को अपन कैसे प्रनाउंसिएट करते हैं फर्स्ट वर्ड इज़ हार्ट सेकेंड इज बरिड थर्ड इज़ अ स्लीप फोर्थ इज़ सनशाइन फिफ्थ इज वेक फोर्थ सॉरी सिक्स इज क्रीप सेवन ब्राइट एट रेन ड्रॉप्स H E A D head, W O R L D world, R O S E rose, O U T S I D E outside, heart, buried, asleep, sunshine, wake, creep, bright, raindrops, head, world, rose, outside. So, you have to practice how to pronounce these words, and your homework is that you have to write question and answers in your English copy.